अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत सी जो है एक अहम टॉपिक पर आपको जो है बताने जा रहा हूँ, आपको एक खास चीज़ बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपका फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल देख लिया होगा कि ऐसी कौन सी गलती है जिसके वजह से जो है हमको पछतावा करना पड़ सकता है शिक्षक भर्ती में, या वो गलती जिसको करके हम जो है बाद में उस गलती पर जो है मौका हाथ से जाने के बाद में गलती पर जो है पछतावा करेंगे। तो ये वो गलती है, ठीक है। इसमें कम मार्क्स वाले और ज़्यादा मार्क्स वाले दोनों की गलतियाँ हैं। वो क्या गलतियाँ हैं ये जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपका जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश करूँगा। पवित्र पोर्टल जो भर्ती का सिस्टम है, यहाँ एक जो बेनिफिट है मेन चीज़, तो वो बेनिफिट की बिना पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी दूसरे मीडियम के, स्पेशली मराठी मीडियम के वो लोग, क्योंकि उनको 5 से 6 जगह की अपॉर्चुनिटी होती है ना, गवर्नमेंट के 2-3-4 इंस्टीट्यूट पर, प्राइवेट एडेड पर, प्राइवेट अनएडेड पर, और विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ों पे होती है। तो मराठी मीडियम वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो, आपने पूछे थे कि अनुदानित पर क्या सिस्टम है सर, बिना अनुदानित, अनुदानित पर अपनी हुई अगर क्या बोलेंगे उसको बिना मुलाकात पर, तो अपने को उसका क्या फ़र्क होता है, तो वो भी चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फायदे में ही रहेगा आपका वीडियो। उर्दू मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले, तमाम मीडियम वाले मेरे सब्सक्राइबर देखिए, आप खुद देखिए, शेयर बाद में कीजिए। तो सबसे पहला ऐसा अपना पॉइंट है कि ज़्यादा मार्क्स वाले और कम मार्क्स वाले, इनकी ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिसके वजह से उनको जो है पछताना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़, पूरा टैट के माहौल में अगर हम देखेंगे तो जो लोएस्ट स्कोर वाले हैं, लोअर जो है जिनका स्कोर है एकदम, अगर मैं बात करूँ 70 से आगे का जो है, 100 के अंदर, 100 से नीचे और 70 तक जो है वो, या 60 तक जो भी होंगे लोग, उन वो तो सीधे सीधे जो है थोड़े, या फिर 90 से नीचे की बात करूंगा मैं, तो एक निगेटिव वातावरण में गए हैं। और एक फितरती बात है कि भाई हमको कम स्कोर है दूसरों से तो हमको तो डर लगना ही है, एक सीधी सी बात है, एक इंसानी सोच की जो है एक मिसाल है ये। और ज़्यादा मार्क लेने वाले पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल, उनको जो है चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, हर किसी को अपना अपना लगता है। कम स्कोर वाला तो ये कभी सोचेगा नहीं कि नहीं भाई मैं लगना नहीं चाहिए, तो ये तुमने तुम्हारी सोच फिलहाल में बना ली है, ठीक है। कम मार्क्स वालों की तरफ मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ कि तुमने ये सोच तुम्हारी बना ली है जानबूझ कर, ठीक है। अब इसमें मैं किसी को कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, और इसका मैं तुमको सबूत भी दूंगा कि ज़्यादा मार्क्स वाला नहीं, कैसे नहीं लग सकता, और कम मार्क्स वाला क्यों लग सकता, और किस बिना पर, ऑफिशियली मैं इसका रेफरेंस देकर बताऊँगा, ठीक है, एग्जाम्पल देकर। कम मार्क्स वाले जितने भी है मराठी उर्दू इंग्लिश हिंदी मीडियम के, सबसे पहली चीज़ ये है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि अपने को है कम मार्क्स, तो हमने पहले क्या करना, अपना अब तो अपना चांस चला गया। गवर्नमेंट का अगला प्रोसीजर क्या है, पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। ये पवित्र पोर्टल में देखो, प्रेफरेंसेस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शिक्षक भर्ती, पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती, ठीक है। अब यहाँ पर तुम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे पीछे कर रहे होंगे, स्पेशली वो लोग जो 60-70-80 मार्क पर है, 90 मार्क पर है, और अतराफ में जब वो जायज़ा ले रहे होंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनको इस चीज़ का पाया पता नहीं है, या ये चीज़ के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान बहुत है दूसरा, लेकिन एक्चुअल इस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि यार तेरे मार्क्स कम है या तुम्हारे मार्क कम है, तुम आप रजिस्ट्रेशन करके भी फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट का ऐसा है कहना कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका, वो हम देख लेंगे बाद में, जो लगेगा वो लगेगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, ठीक है। ये सीधी सी बात है, तुम नहीं तय कर सकते। और मैंने पहले ही बोला, मेरा यही जुमला है, डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज, 30,000 की वो बार बार जो है दोहरा रहे हैं, वाकई में वो 30,000 निकालेंगे क्या, ये भी हमको देखना होगा। जितनी ऐड छूटी आएंगी उतना कम चांसेस होंगे, और जितनी ऐड बढ़ी आएंगी जाहिरात उतने ज़्यादा चांसेस होंगे लोअर स्कोर वालों के, जो भी रहेंगे 100 वालों के, 90 वालों के, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड्स है वैकेंसी कितने पे आती है, कितनी आती है। अब वो ये सोचकर उनको बोला गया, तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का वक्त है, 7-8 दिन दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो वक्त, वो ड्यूरेशन निकल चुका और क्लोज हो चुकी डेट रजिस्ट्रेशन की। आपने TET पास आउट थे, आप CET पास आउट थे, TET थे, आपने टेट दे दिया, टेट में 60-70 मार्क ले लिए, सब में एलिजिबल थे आप, या फिर ये नहीं थे तो आप BEd थे, MA BEd थे, BSc BEd थे, MSc BEd थे, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए आपने पेपर दिया, स्कोर भी अच्छा किया, लेकिन स्कोर कम होने की वजह से आपको ऐसा लगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ये पहली गलती, ये इनकी गलती कम मार्क्स वालों की। अब ये वहाँ पर जाकर जो है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सीधा सीधा ये माना जाता है उस पोर्टल के जरिए, उस सिस्टम के जरिए, उस शिक्षक भर्ती के जो है उसूल के जरिए कि भाई इसको ज़रूरत नहीं है, ये नहीं चाहता कि मुझे जॉब लगे। अब इसका नुकसान मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन उसने जैसा नहीं करा वैसी अगली स्टेप में जो प्राधान्य क्रम लॉकिंग होती है, यानी कि जिसको हम प्रेफरेंसेस लॉक कहते हैं, तो वहाँ उसको कोई भी चीज़ नहीं दिखेंगी, उसका नाम ही नहीं दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ वो उसको, जैसा कि एक ज़्यादा मार्क वाला है, अब दूसरी मिसाल ज़्यादा मार्क वाली की क्या गलती है, ऐसा क्या है भाई कि हम नहीं लग सकते, तुमने टाइटल में तो ऐसा बताया। तो ज़्यादा मार्क्स वाला ऐसा है, बार बार मैंने जो है हर चीज़ को जो है एक बेसिक पॉइंट्स को जो है मैंने वजाहत करके बताया, लेकिन मुझे इसलिए ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम जानबूझकर उसी चीज़ को नीचे पूछते हैं, स्पेशली अपने मीडियम के बच्चे ने जो है उसको रिपीट करते हैं वहाँ पर, जानबूझकर करते हैं आप लोग, क्योंकि मैं बता वही रहा हूँ। अब मैंने बोला ज़्यादा मार्क्स वाला है, उर्दू मीडियम में एक शख्स है 120 मार्क वाला, उर्दू मीडियम में टोटल वैकेंसीज आ गई 1500 एक मिसाल के तौर पर, उसका ज़िला है XYZ कोई भी, ठीक है। उसका ज़िला जैसा कि अगर मैं बोलूँ
अमरावती है, ठीक है, उसका जिला अमरावती है। अब उसको जो है उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, ठीक है। अब उसने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आगे के स्टेप में गया, उसको आए प्रेफरेंसेस उर्दू मीडियम के बच्चों में उसके कैटेगरी की, यानी कि मिसाल के तौर पे वो EWS कैटेगरी का एक बंदा है, कोई भी EWS में उसको कोई भी समांतर आरक्षण नहीं है, वो जेंट्स है, वो प्योर EWS है। उसको पूरे महाराष्ट्र के जितने भी होंगे 120 मार्क के बेसिस पर, उसके टैट के मार्क्स की बिना पर और EWS की बिना पर और उसके क्वालिफिकेशन की बिना पर, DED हो या BED हो या साथ में TET CET वगैरह हो, ये बिना पर पोर्टल उसको उसके प्रेफरेंसेस दे दिया। मिसाल के तौर पे उस EWS वाले को उसने दे दिया 30 प्रेफरेंसेस, ठीक है, उसको 120 मार्क्स या 130 मार्क पकड़ लो, मोटे मोटे यानी कि ज़्यादा मार्क है ना, 130 मार्क, तो 130 मार्क है उसको EWS। अब उसके दिमाग में ये बात आ रही है, वो पिछले 5-7 साल से खाली है, ठीक है, मराठी मीडियम वालों के लिए भी मैं आगे बोलूँगा। अब उसके पास वो मिसाल है, सॉरी उसके पास ये है 130 मार्क है, और उसके दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा करेंगे हम लोग कि भाई चलो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड होता है और मेरे इतने ज़्यादा मार्क होने की वजह से मैं क्या करूँगा कि मुझे अमरावती जिला परिषद, अब उसके प्रेफरेंसेस में उसको अमरावती जिला परिषद, महानगरपालिका और नगर परिषद नहीं दिखे, एक मिसाल के तौर पे उसको नहीं दिख रहे, उसको दिखा अकोला, दिखा उसको यवतमाल, दिखा उसके आसपास के तमाम बुलढाणा, उसके विदर्भ के इलाके, मराठवाड़ा के इलाके के, पश्चिम महाराष्ट्र के, उर्दू मीडियम के, उसको 30 ऑप्शन दिखे, लेकिन उसको लगा जिला परिषद मेरे पास तो नहीं है, यानी मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इतने मार्क लेकर। तो ये उसकी सोच है, इसकी वजह से उसके गवर्नमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई अड़ता नहीं, कोई काम रुकता नहीं है। उसने क्या किया, कोई भी एक प्रेफरेंस डालकर छोड़ दिया कन्वर्टेड टू ओपन राउंड के लिए। अब ये कोई भी एक डालकर छोड़ने का मेरा क्या कहने का मकसद है कि तुम्हारे पास ज़्यादा मार्क है, तुम पिछले 5-10 सालों से खाली थे, तो अब मेरा कहना है कि 30 अगर प्रेफरेंसेस आते हैं तो अगर वो 30ों की 30 डालता है तो उसको, तो अगर उसने 130 मार्क पर पहले नंबर पे उसके अमरावती के बाजू का अकोला है, अब अकोला उसने जब डाल दिया तो अकोला में ZP में वो जो है पहला नंबर उसने डाला अकोला, तो अकोला में 130 से नीचे के उसके EWS वाले जितने भी होंगे वो नहीं लगेंगे, वो लगेगा, लेकिन 131 वाले ने वहाँ डाल दिया अकोला में, तो इसको अकोला ना देते हुए इसने सेकंड नंबर पर जो डाला था, जैसा कि उसने सेकंड नंबर पर डाल दिया था अकोला महानगरपालिका, तो अकोला महानगरपालिका को प्रेफर करेगा वो जो सिस्टम रहेगा वहाँ का वो। लेकिन इसने वो कुछ भी नहीं डालते हुए ऐसा सोच लिया कि मैं प्रेफरेंस ही लॉक नहीं करता हूँ, अब यहाँ पर वो पकड़ हो गई उसकी, चुकीला माफी नहीं, ये जो वर्ड है वो है यहाँ प्राधान्य क्रम का सिस्टम, अब उसकी गलती है ये। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गया, तो वो नियम, वो शर्त जो आठवीं वो शर्ती है भर्ती के, उसमें अटक गया वो, प्रेफरेंसेस लॉक करना ये कंपलसरी है, तुमको चाहे 50 मार्क हो, तुमको चाहे 150 मार्क हो, ठीक है। अब उसने लॉक नहीं किया ये सोचकर कि मुझे 130 मार्क है, तो ऐसा मत करो, ये है गलती बड़े ज़्यादा मार्क वाले की, उसने छोड़ दिया। अब उसको ऐसा लग रहा है चलो नहीं नहीं प्रेफरेंसेस लॉक नहीं करने की, गलती नहीं करने की, अपने को एक डाल के छोड़ने का, अब उसको ज़रूरत अजहद है नौकरी की, एक कमाई की, अब वो आया हुआ चांस छोड़ दे रहा, और खुदा ना खास्ता कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में देरी हो गई, शासन का तो तुमको पता है, एक चीज़ अगर उसने लंबा दी तो वो लंबा लंबा चलते चलते 6 महीने भी निकल सकते, 1 साल भी निकल सकते, 5 साल भी निकल सकते, और वो 4-5 सालों में वो उसी चीज़ का पछतावा करते रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है लेकिन एक डालकर छोड़ रहा है, हाँ तुमको नहीं होना, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में हम फिक्स है, तो कोई मसला नहीं। अब उसके पास 30 आए, अगर उस ज़्यादा मार्क वाले के पास EWS कैटेगरी वाले के पास 30 आए, तो चलो ठीक है मैं मान लूँगा कि दूर दराज के उसने सब छोड़ दिया, पूरा कोकण में के 4-5, पश्चिम महाराष्ट्र के 5-6 जिले जितने भी है ये पट्टे के पूरे जो है उसने 10-12 जिले छोड़ दिया, 18 ऑप्शन ऐसे उसने डाला जो उसके विदर्भ में और मराठवाड़े में है, ठीक है, जिला परिषद भी है, नगर पालिका है, मनपा है, 130 मार्क पे तो उसको इजी गोइंग में लग जाएगा वो, ठीक है, उर्दू मीडियम से TET पास आउट। अब उसने डाल दिया तो कोई हर्ज नहीं है मेरी नज़र में, यानी ये मेरी राय है, उसको जो भी ऐसा सोच रहा हूँगा, तो देखो करना है तो इंसान कोकण में भी चले जाता, और नहीं करना है तो उसको उसके प्रॉपर की पंचायत समिति भी मिला तो वो उसका रोना रोएगा, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि कहाँ लगता है, बात यह है कि वो कैसे लगता है, उसके दिमाग का इस्तेमाल उस वक्त में वो करता है क्या जॉब पे लगने के लिए, ठीक है, वो कैसे लगता है इसका, इसके अगर उसको सोच है कि भाई मैं कन्वर्टेड टू ओपन में ही लगेगा तो फिर उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास ऑलरेडी सेटल है वो इंसान, तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता उर्दू मीडियम के अपने बच्चे जो नहीं चाहते होंगे मराठी मीडियम का कोई सब लेंगे, हट देखेंगे अगले बारी में, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये है ज़्यादा मार्क वाले की गलती। अब कम मार्क्स वाले की पहली गलती में ही तो वो आउट हो गया ना, अब उसके ज़िले में जैसा कि अगर वो कम मार्क सोचकर अगर नहीं डलता और इसके ही साथ के जैसा इसके पास 70 मार्क थे, एक मिसाल दे रहा मैं, या इसके पास 80 मार्क थे फिर भी इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अब इसी के आसपास वालों ने सबने रजिस्ट्रेशन कर दिए, OBC वाला एक कैंडिडेट है उसको 80 मार्क है, वो कोई भी कैंडिडेट होगा XYZ 80 मार्क है उर्दू मीडियम में है वो, उसने सोचा कि अरे यार अपना तो कुछ दिख नहीं रहा, अब रजिस्ट्रेशन नहीं करते लोग तो बोल रहे कि तो लगेगा ही नहीं, लेकिन उसके जो बैच के हैं 80-85 के बीच वालों ने सबने कर दिया रजिस्ट्रेशन, और उसमें से कईयों को जो है प्रेफरेंसेस आ भी गए, जनरेट भी कर दिया कंप्यूटर ने। OBC की वैकेंसी 19% आती, ज़्यादा जगह आ गई, 1500 में 19% यानी 15-30 के आसपास, यानी कि जिसको हम बोलेंगे 280 के आसपास जो है आएंगी वैकेंसी, है ना, हाँ 270 के आसपास, ठीक है, 15% बोले तो 19% बोले तो 1500 में से, ठीक है।
तो इतनी वैकेंसीज आई और उसके 80-85 के रेंज वालों को दे दिया उसने कम से कम 5 ऑप्शन, सिर्फ 5, और इसके साथ के ओबीसी वालों को, ज्यादा मार्क वालों को 20-30-40 ऑप्शन दे दिया। तो अब ये 5 आया, इसको जितना आया उतना में समाधान ही है, लेकिन वो 5 की बात कहां क्या है वो करके। अब ये जो कम मार्क्स वाले थे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको दूर के प्रेफरेंसेस आएंगे, इसका मतलब ऐसा होता है कि तुम कहीं ना कहीं एलिजिबल बैठ सकते हैं। तो अब वो डाल दिया उन्होंने कोकण में, क्योंकि कोकण में वैकेंसीज उर्दू मीडियम की बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा होती है। रायगढ़ की बात करूं मैं, रत्नागिरी की बात करूं, सिंधुदुर्ग की बात करूं या फिर दूसरे उसी पट्टे की बात करूं, तो खासकर कोकण में वैकेंसी ज्यादा होती है। और ये साइड में जलगांव खानदेश में बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है उर्दू में जिला परिषद की, ये चीजें। अब उसको जलगांव भी दिख रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस है 80-85, लेकिन इसके साथ वाले ने जिसने नहीं करा अब उसका मौका चला गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये वाली बात होना नहीं अपने साथ, जो दूसरों ने गलतियां की वो अपन ने करना नहीं, क्योंकि तुम उर्दू मीडियम है, उम्मीद एक चीज है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वैसा अपना बोलकर नहीं लगेंगे, सोचकर भी ऐसा हो चलो मैं लगने वाला नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी लॉक कर दूंगा प्रेफरेंसेस। आ गए उसको, उसने लॉक कर दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बैठ गया, रायगढ़ में बैठा, रत्नागिरी में, तुमको क्या है कहीं पे भी तो नौकरी करनी ही है, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस है। अब है मराठी मीडियम वाले, मराठी मीडियम वालों की भी सेम कंडीशन है, ऐसी बात है कि भाई तुमको लग रहा है कि भाई इसके मार्क ज्यादा है, तुम्हारे इसमें स्कोर्स ज्यादा है, ठीक है। आता म्हणजे तुमच्या माध्यमात मराठी माध्यम मध्ये TET 1 आणि TET 2 सोशल सायन्स, सायन्स मॅथ्स 1-5 यामध्ये कॉम्पिटिशन म्हणजे त्यापेक्षा कमी आहे 9वी ते 12वी, पण 9वी ते 12वीपेक्षा इथे कमी आहे। तरी पण आता तुमच्यासाठी जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळ आणि अनुदानित संस्था, विनाअनुदानित संस्था, विथ इंटरव्ह्यू, विदाउट इंटरव्ह्यू, या प्रकारे तुमचे जे आहे संस्थांचे पण तुम्हाला ऑप्शन्स असतात। बऱ्याचपैकी जे संस्था आहे महाराष्ट्रात ते नोंदणी करत आहे पवित्र पोर्टलमध्ये, पवित्र पोर्टलमार्फत जे आहे भरती घेण्यासाठी टेटच्या मार्क्सच्या बेसिसवर, विदाउट इंटरव्ह्यूला, विथ इंटरव्ह्यूला, त्यांचे जे इंटरव्ह्यूज असतात त्याच्या बेसिसवर, ठीक आहे। आता तुम्हाला मार्क्स आहे, आता तुम्ही तर मराठी माध्यम आहे म्हणजे जास्त मी म्हणजे तुम्हाला मार्क आहे, तुमचा DED आणि BED आहे, एक उदाहरणार्थ DED BED TET वगैरे सगळा MA BED आता तुम्ही सगळा आहे, 1-12 पात्र आहे। आता म्हणजे तुम्हाला 110 मार्क आहे, 110 किंवा 120, 110 एक नॉर्मल मार्क्स म्हणजे 100 किंवा 105, 110 आहे। आता तुम्हाला JPMध्ये तुम्ही बसले नाही तर नंतर रोल ओव्हर करून तुम्ही कुठं ना कुठं म्हणजे नगरपालिकेमध्ये, इथे पण कॉम्पिटिशन आहे, महानगरपालिकामध्ये पण कॉम्पिटिशन आहे। आता आली म्हणजे संस्थेची बारी, ठीक आहे। आता संस्थेमध्ये तुम्हाला 1-8 पण येणार आणि 9-12 पण ऑप्शन्स येणार, या जागी विदाऊटमध्ये तुम्हाला जे आहे कुठे ना कुठेतरी तुम्हाला विदाऊटमध्ये जर तुम्ही बसले तर ठीक आहे, कारण जागा वाढणारच ना 1-12 प्रायव्हेट धरून, जर संस्था 100% अनुदानित विनाअनुदानित हे जे आहे इथे धरून म्हणजे तुमच्या मराठी माध्यमच्या जागा जास्तच असणार आहे, तर एकदम जास्त मार्क घेणारे ते JPM नगरपालिका मनपावर बसले, तर इकडे तुम्हाला खाजगी अनुदानित जे विदाऊट इंटरव्ह्यू आहे तिथे तुम्हाला ते प्रेफर करणार, तिथे पण नाही बसले तर तुम्ही आहेच आपला एक, आता आपल्याला नोकरीला लागायचंच आहे तर एक विथ इंटरव्ह्यूचा पण ऑप्शन आहे आपल्याकडे, पण हे आपल्या मनावर आहे, मी कोणालाही फोर्स या व्हिडिओद्वारे करत नाही, ठीक आहे। हे माझे वैयक्तिक विचार आहे, पण तुम्हाला जे आहे तुम्ही विचारतात मला की सर खाजगीवर अनुदानित विनाअनुदानित हा सिस्टम काय आहे, असा आहे याचा नेमका अर्थ काय आपण लागलो तर। आता तुम्ही गेले, आता त्या जागी तुम्हाला विथ इंटरव्ह्यूचा ऑप्शन आला, एक जागेसाठी 10 जे प्रेफर करतात ते म्हणजे संस्थावाले, तर एका जागेसाठी 10 तिथे तुमच्या सब्जेक्टचे, तुमच्या क्वालिफिकेशनप्रमाणे किंवा तुमच्या टॅटच्या मार्क्सप्रमाणे तिथे येणार। आता त्या 10 तुमचा कॉम्पिटिशन असणार आहे, 30 त्यांचे इंटरव्ह्यूचे असणार आहे, डेमो आणि लेसनचे। आता फुल नाही फुलाची पाकडी म्हणून ते विथ इंटरव्ह्यूपर्यंत जरी आपण गेलो तरी एक आपल्याला म्हणजे आपल्या मनाला समाधान वाटणार। आता तुम्ही रजिस्ट्रेशनच केलं नाही कमी मार्क असल्यामुळे तर तुम्हाला ते प्रेफर करणार नाही आणि जनरेट करणार नाही तुमचे काय प्राधान्यक्रम। आता उदाहरणार्थ तुम्ही एक एवढे मार्क तुमचे आहे 110-120 आहे, तुम्ही JPMला नगरपालिकाला मनपाला लागले नाही, ऐका तुम्ही, हा तुम्हाला म्हणजे तुम्ही मला विचारतात की विनाअनुदानित हे काय, तर विनाअनुदानित तर साईडला ठेवा, ते काही विशेष तेवढी नसते, तर ते प्रेफर करायची नाही करायची ते तुमच्या मनावर। आता अनुदानितमध्ये काय असते 100%, 80%, 60%, 40% आणि 20%। आता उदाहरणार्थ तुम्हाला 60% अनुदानीची एक शाळा आली आणि तिथे तुमचा सिलेक्शन झाला टॅटच्या मार्क्सवर, विदाऊट इंटरव्ह्यूमध्ये, विना मुलाखत, फक्त टॅटच्या मार्क्सवर 9वी ते 10वीवर। आता त्या जागी मी ऐकले आहे म्हणजे माझ्या ऐकण्यात आलेलं आहे की तुम्हाला म्हणजे जर कोणताही शिक्षक एका विना म्हणजे 100% अनुदानितपेक्षा कमी अनुदान ज्या शाळेचा असते तिथे जॉईन होत असेल तर त्याला सेवक लागू नसते, म्हणजे तुम्ही 60%वर जर तुम्ही गेले, आता 60%वर त्या जागी तुम्हाला तुमची नियुक्ती होणार। आता 9वी ते 10वीमध्ये हायस्कूलचा जे पेमेंट असणार शिक्षकाचा XYZ एक माझ्या म्हणजे एक फक्त एक्झाम्पल देत आहो मी, 20,000 आहे असा फक्त मी उदाहरण देतो आहे, देत आहो मला माहीत नाही नेमकी म्हणजे पेमेंट किती असते ती हायस्कूलला पहिली, तर एक 20,000, ठीक आहे। तर त्या 20,000 तर 20,000चा म्हणजे 60% तुमची पहिली पेमेंट असणार, म्हणजे 20 सकं म्हणजे 2 सकं 12 12,000 तुम्हाला, सॉरी किती किती सांगितली मी, 20,000। आता 20चा 60%, ठीक आहे, तुमची ते पेमेंट असणार। जर ते म्हणजे 50,000 पेमेंट असेल, ठीक आहे, तर ते किती 5 सकं 30 30,000 तुम्हाला ते त्या पे म्हणजे 50 पेमेंट आहे पहिली पेमेंट, तर त्यामधून फक्त तुम्हाला ते 60% पेमेंट मिळेल, ठीक आहे, 60% अनुदानावर तुमचं झालं सिलेक्शन। आणि 40% झाला तर 50,000 पेमेंट आहे पहिली पेमेंट, जर तर 5 चोक
20,000 तुमच्या हाताची येणार पेमेंट, ठीक आहे। आता तुम्ही विचारत आहात की सर ते उरलेले जे 40% आहे 20% आहे 60% आहे त्याचं काय आता त्या पेमेंटचं, तर त्यामध्ये असं असते की ते अनुदान आल्यानंतरच तुम्हाला तेवढी ते फुल पे मिळणार, अन्यथा नाही। आता ते अनुदान येईल किंवा नाही येईल ते प्रोसेस काय असते ते मला माहीत नाही, पण तेवढी ते आल्यानंतरच तुम्हाला ते म्हणजे 100% अनुदान आला तर 100% पेमेंट असं असते ते, त्याच्यात काही विशेष नाही। आणि सेम विना अनुदानितमध्ये तर तुम्हाला माहीतच आहे की काय प्रॉब्लेम असतात, म्हणून ते प्रेफर करायचं की नाही करायचं ते तुम्हाला माहीत आहे। आता मुलाखतवाली जी असते विथ इंटरव्ह्यू, त्या जागी पण तुम्हाला विचार करावा लागणार, कारण तिथे 30 मार्कवर तुमची निवड असते, टॅटच्या मार्क्सवर तुमचा फक्त एकाच 10 ते पाठवतात तिथं रेशोप्रमाणे, आणि नंतर तुम्हाला ते 30 तुम्हाला जे आहे 30 मार्कचा इंटरव्ह्यू घेऊन तुम्हाला 10 कोणी त्यांना म्हणजे घ्यावं लागते, ठीक आहे। अब उर्दू मीडियम की बात मैं करूँ तो ये सिस्टम है। अब कई लोगों ने मुझे बार बार कमेंट करी नीचे कि वो बोल रहे कि सर 130 लेके हम चले गए अगर कहा रायगढ़ में तो क्या हमको दूसरा चांस मिलेगा। मैंने इतने बार ये चीज़ रिपीट किया, तुम लोगों की एक गंदी आदत मुझे लगती है कि वो चीज़ तुम जानबूझकर मुझे पूछते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूड नहीं होता है वीडियो देखने का। वीडियो देखा करो, जब कोई इन्फॉर्मेशन देने के तजस्सुस रखता है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, तो देखो ना तुम्हारे ही वास्ते की वीडियो है। तुम लोगों को ऐसा लगता है मैं सिर्फ टाइम पास के हिसाब से डालता, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर तुमको 130 मिलने के बाद तुमको ऐसा लगता है तुमने बहुत बड़ा जैसा कि भाई काम कर दिए गवर्नमेंट की नज़र में, हमारी नज़र में तो बड़ा है इंसानों की नज़र में, तो गवर्नमेंट की नज़र में तुम बोलेंगे गवर्नमेंट को कि भाई हमको एक बार चांस दो वापस से वो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कभी कोई भी मराठी उर्दू मीडियम वाला जो है ये देख रहा हूँ तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये वीडियो के जरिए मैंने एकदम जो है सिस्टमैटिकली इसका जो है बताने की कोशिश किया। वीडियो को पूरा देखना है आपको और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज के वीडियो के जरिए आपको क्या फायदा हुआ, कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो और शेयर भी कर दो हो सके तो। अस्सलाम वालेकुम।